अंडर 17 बॉयज वर्क बैच ग्वालियर संभाग वर्सेज भोपाल संभाग के बीच चलता हुआ। आपको बता दूं, आप जो मैच देख रहे हैं, हिंड से एक अंक निकाला है ग्वालियर टीम के रेडर आशीष गुर्जर ने। अगले रेडर हैं युवराज जो भोपाल टीम के कैप्टन हैं। अगले रेड लेकर आए हैं भोपाल के युवराज, अच्छा रेडर माने जाते हैं। बहुत ही अच्छा शानदार डिफेंस ग्वालियर टीम की ओर से, रेडर को बाहर फेंका, एक और अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। अगले रेडर हैं संजय, 3 नंबर जर्सी में जो रेड डाल रहे हैं भोपाल के कोर्ट में। हाँ हम भी हैं, वही हम बोल रहे थे आपसे। आप अगले रेड भोपाल टीम की ओर से वाली के कोर्ट में डालते हुए रेडर, देखते क्या कुछ करते खाते हैं। टच की मांग शानदार डिसीजन, एम्पायर को चैलेंज किया। अगले रेड संजय, 3 नंबर जर्सी में ग्वालियर संभाग की ओर से डिफेंस करने का प्रयास लेकर कॉर्नर विफल रहे भोपाल टीम की ओर से। रेड भोपाल टीम डिफेंस मजबूत पोजीशन में खड़ी है ग्वालियर टीम, देखते हैं रेडर को रोक पाती है या नहीं। काफ़ी अच्छा फुटबॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं भोपाल टीम के रेडर, बहुत ही अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। तीस नंबर जर्सी यहाँ से खुद से छोटे गांव से जाने जाते हैं रेड डालते हुए ग्वालियर संभाग की टीम जोर से। अगली रेड भोपाल टीम लंबे करके रेडर भोपाल टीम की ओर से रेड डालते हुए ग्वालियर संभाग के कोर्ट में, देखते पॉइंट लेकर आते हैं। देखिए लेकर डिफेंस बाहर फेंक दिए गए हैं संजय अजय की सपोर्ट से। बहुत ही अच्छा डिफेंस देखने को मिला, पूरी टीम एक साथ सपोर्ट देती हुई। अगले रेडर आशीष गुर्जर डिफेंस करने की कोशिश, दोनों पैर भर लिए गए हैं, निश्चित ही टैगर हुआ। एक और अंक भोपाल टीम को। अगले रेडर युवराज भोपाल टीम के कैप्टन,
लंबे कद के रेडर अपनी टीम में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं रेडर के रूप में। डिफेंस कर लीजिए बिल्कुल मिड लाइन के पास से खींच लिए गए। एक और अंक मिला ग्वालियर टीम को। बहुत ही शानदार डिफेंस देखने को मिल रहा है ग्वालियर संभाग टीम की ओर से। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं, मैचों का लुत्फ उठा रहे हैं। नंबर एक एक्सीलेंस स्कूल भिंड से एफर्ट लगाना होगा भोपाल टीम को अंकों को अर्जित करने के लिए जिसकी उन्हें जरूरत है। डिफेंस में कुछ दिख नहीं रहा है भोपाल टीम की ओर से, जबकि चंबल संभाग की टीम पॉइंट निकाल रही है डिफेंस में और रेड में। अगले रेडर नौ नंबर जर्सी में आशीष गुर्जर। आपको बता दूँ सॉरी ग्वालियर संभाग टीम में दो आशीष नाम के खिलाड़ी हैं जो नौ नंबर में हैं, तीस नंबर गलत टैकल करने की कोशिश जिसका कामयाब होगा इतना बड़ा भोपाल टीम के खिलाड़ियों को। लंबे कट के रेडर तीन नंबर जर्सी में रेड डाल रहे हैं। अगले रेडर फिर आशीष को जो रेड डालने आए हैं भोपाल पाली में। बहुत ही फुर्तीले माने जाते हैं रेड में, देखते हैं क्या कर दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। तीन खिलाड़ी शेष हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश फिर भी विफल रहे। अगले रेड भोपाल की हावी होती जा रही है ग्वालियर संभाग की टीम। फिर से खींच लिया गया बिल्कुल मिड लाइन से। तारीफ करनी होगी नौ नंबर जर्सी की, तो बहुत ही शानदार डिफेंस मिल रहा है देखने को। बिल्कुल मिड लाइन से खींचे कर ले जा रहे हैं रेडरों को। एक लोना हो चुका है भोपाल टीम का। जी हमारे पवन भाई जो कबड्डी के लिए हमेशा तत्पर। वो सब समझा रहा है प्रथम टाइम आउट खिलाड़ियों को। सब टेंशन हुआ है यहाँ पर एक खिलाड़ी का। तीन नंबर बाहर किया गया है, चार नंबर को अंदर किया गया है। लंबे कद के रेडर जितने भी रेडर हैं सभी लंबे कद के हैं भोपाल टीम में। अभी अच्छा है एफर्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से कैच करने का प्रयास किया लेकिन जबरदस्ती एक क्या हुआ समझ में नहीं आया क्या डिसीजन मिला। अच्छा रेडर को आउट दिया गया है यहाँ पर। अगले रेडर आशीष फिर से रेड लेकर आए अपनी की ओर से। लगातार होश और जोश से खेल रहे हैं, चैलेंज करते हैं, बाकायदा पॉइंट निकल कर आता है। बहुत ही शानदार अटैक है, बहुत ही शानदार अटैक है दोनों कोनों की ओर से। बोनस मिला है भोपाल को और पॉइंट मिला है ग्वालियर संभाग। तीस नंबर जर्सी में आशीष गुर्जर जो छोटे आशीष के नाम से जाने जाते हैं काफ़ी अच्छा एफर्ट लगाते हैं। इसके बाद जबलपुर और सागर का मैच होता है। दोनों ही टीमें डिफेंस और रेड में हावी हो रही है ग्वालियर संभाग। पिक्चर पूरे तैयार हो गया है, केवल डीओ साहब को सामने ले गए, सामने होने गए हैं पिक्चर।
जबरदस्ती करने की कोशिश, ऑनर के द्वारा उनका सपोर्टर्स पीछे खींच गया। अगले रेड राशि बैक किक का प्रयास और बस बिल्कुल सफल रही, एक और अंक मिला ग्वालियर संभाग को। फिर से खींच लिए गए हैं कमर होल, एक ही रेडर को निकलने नहीं दे रहे हैं। भोपाल टीम के दो खिलाड़ी से इस रेड पर है आशीष गुर्जर और छोटे आंसू 30 नंबर जर, इसमें टच किया लेकिन एंकल पकड़ लिया गया, निश्चित ही होल्ड होगा और ये सुपर टैकल। दो अंक मिले हैं भोपाल संभाग को। ये बहुत ही शानदार टैकल, बीच में से खींच लिया गया, पूरे टीम का सपोर्ट निकलने नहीं दे रहे हैं ग्वालियर संभाग के खिलाड़ी। इसी के साथ हाफ टाइम, स्कोर कितना? 20-8 का स्कोर है फेवर ऑफ ग्वालियर। हाफ टाइम हो चुका है, होगी तो आ जाएगी कौन। भोपाल संभाग टीम के कोच पवार अपने खिलाड़ियों को सलाह मशवरा दे रहे हैं किस तरह से प्लेइंग करना, अभी काफ़ी पीछे हैं, लीड बनाए हुए हैं ग्वालियर संभाग। ये रेड लिए थे ना ग्वालियर ने, जीते थे बोनस मिला भोपाल को, बहुत अच्छा एफर्ट रेडर के द्वारा। लास्ट खिलाड़ी भोपाल टीम की ओर से रेड डाल रहे हैं ग्वालियर संभाग के खिलाड़ी। और ये फिर से टेस मार दिया गया लेकिन बोनस प्लस 1 पॉइंट मिला है भोपाल को। भोपाल टीम के दो खिलाड़ी अपने खेमे में जबरदस्ती कोशिश करने की कोशिश, लेकिन जंप किया आशीष गुर्जर ने। युवराज रेड लेकर आए हैं,
अच्छे रेडर माने जाते हैं भोपाल टीम से। फिर से शानदार ग्रिप का प्रदर्शन, दोनों थाई होल्ड की गई सामने से, अच्छी टीम निखर कर दिख रही है। ग्वालियर संभाग की डिफेंस में और रेड में किसी में भी पीछे नहीं है। ग्वालियर संभाग के खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। गेम के दौरान टच एक और घाट डालने की कोशिश गलती कर रहे हैं खिलाड़ी, जबरदस्ती हाथ डाल रहे हैं, वो भी एक जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता। जैसे इधर से गलती हुई सेम गलती उधर से भी हुई, ये खाद के लिए उधर से भी डाला, फायदा हुआ ग्वालियर संभाग को, जबरदस्ती खींच ली गई। देखते हैं दो खिलाड़ी आउट किए हैं ग्वालियर संभाग के, फॉर्म में दिख रही है ग्वालियर भोपाल संभाग, फॉर्म में आती जा रही है, उन्हें काफ़ी अंक चाहिए जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर बोनस छोड़ा, देखते हैं होता है या नहीं। देखने मिल रहा है लेकिन टेक्निकल पॉइंट मिला है ग्वालियर को, दोनों रेडर एंट्री कर चुके थे ग्वालियर संभाग के ग्राउंड में, डिसबैलेंस हो गया रेडरों के बीच में, किसको जाना चाहिए था। जबरदस्त डाई, जबरदस्त डाई, 11 नंबर जर्सी में बहुत ही खूबसूरत डाई देखने को मिली। रेड पर आशीष गुर्जर ग्वालियर संभाग फोर से तैयार है डिफेंस के लिए, भोपाल के खिलाड़ी खींचा लेकिन खींच लिए गए वो, रेडर आउट, एक और अंक मिला भोपाल टीम को। आपको बता दीजिए लीग मैच चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कबड्डी चैंपियनशिप SC High की ओर से यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। शानदार टू टच का प्रदर्शन देखते हैं है या नहीं, लेकिन नकारा रेफरी ने। प्रथम टाइम आउट लिया गया है ग्वालियर 30, उधर से भोपाल टीम के भोपाल संभाग 15 है कि आपको मैच में क्या करना है। दोनों ही टीमें खेल जा रही है ग्राउंड पर, खेल का प्रदर्शन कर रही है। अंतिम 5 मिनट से इस गेम की करने का प्रयास है लेकिन कुछ हुआ नहीं। जबरदस्ती करने की कोशिश लेकिन सफल रहे रेडर, डिफेंस डिफेंडर को खींच लेगा मिड लाइन पर। एक नंबर चर्च में ग्वालियर संभाग की ओर से रेड डाल रहे हैं, दोनों थाई भर ली गई हैं, दूसरा रेड आउट, एक अंक मिला भोपाल टीम को जिसकी उन्हें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट निकालने की।
टच की डिमांड, एक और खिलाड़ी आउट ग्वालियर संभाग से, दो खिलाड़ी शेष ग्वालियर संभाग टीम में बचे हुए दो खिलाड़ी हैं। दोनों पेयर होल्ड करने की कोशिश, लेकिन प्रेफर रहे हेडर डिफेंडर, एक और खिलाड़ी खड़े हुए ग्राउंड में, बहुत बढ़िया सुपर टैकल, दो अंक मिले हैं ग्वालियर संभाग को। पहले पिछड़ते जा रहे थे, लेकिन लगता है धीरे धीरे बराबर से आ जाए। तीन मिनट का खेल शेष, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है ग्वालियर संभाग की टीम डिफेंस में, देख लें रेड में देख लें, इधर भी कमी नज़र नहीं आ रही है, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। के लिए गए बहुत बढ़िया, उधर गर्ल्स भी जीत गए था, बॉयज भी जीत गए, अंतिम क्षण चल रहे हैं मैच के, लेकिन लीड में है ग्वालियर संभाग, देखते हैं लाइन क्रॉस हुई या नहीं, निश्चित डिफेंडर आउट, एक अंक मिला हुआ टीम को, खेला जाएगा काफी अच्छी रेड मानी जाती है उनकी, अच्छे रेडर हैं, लास्ट मिनट का खेल शेष बचा हुआ है, लीड में है ग्वालियर संभाग, लगातार रेड डालते हुए और पॉइंट निकालते हुए अपनी टीम के लिए आशीष कुशल, कैच करने का प्रयास, लेकिन विफल रहे, एक और अंक ग्वालियर संभाग को, अगले रेडर बॉल टीम की ओर से, औपचारिकता शेष बची हुई है इस मैच की, फिर से कैच करने का प्रयास, लेकिन निश्चित ही कैच नहीं है, पूरा सपोर्ट मिला इस टीम भोपाल की टीम को, पकड़ लिए गए हैं, किधर से भी कमी नजर आती है चिपक जाते हैं, एक साथ मैच समाप्त, स्कोर क्या रहा इस मैच का, दोनों ही टीमों के मध्य 36 मैच बहुत ही रोचक, 36 फीवर ऑफ ग्वालियर संभाग, ग्वालियर